रीवा का 76 साल का स्टूडेंट कर रहा है दिल्ली में ज्योतिष की पढ़ाई, 11 सब्जेक्ट में कर चुका है एमए। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा हम आपको आज दिखाएंगे। आप खुद कहेंगे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, 76 साल में ज्योतिष की पढ़ाई, 12वीं सब्जेक्ट में एमए की तैयारी, ये कोई मजवाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं राम लोटन पांडे की, 1 जुलाई 1948 को जिनका जन्म हुआ सिरमौर के दुबगवा गांव में। 1.5 साल की उम्र में पिता का साया आपके सर से उठ गया, पढ़ाई में होनहार थे। 8वीं के बाद 25 रुपए की स्कॉलरशिप में अपनी पढ़ाई की, इंजीनियर बनना चाहते थे, पैसे का अभाव था, बीएससी की, उसके बाद टीचर बन गए। लेकिन पढ़ाई का भूत उतरा नहीं, बच्चों को पढ़ाते थे, साथ ही अपने लिए भी पढ़ाई की तैयारी करते रहे और आज लगभग 11 सब्जेक्ट में एमए कर चुके हैं, 12वीं की तैयारी है। इसी दौरान आपको बेहतर काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। 30 जून 2010 को आप रिटायर हो गए। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ किया, उन्हीं की जुबानी सुनिए पूरे अपने उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने वाले राम लोटन पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। लोटन पांडे ग्राम पोस्ट ऑफिस पट्टी जिला रीवा मध्य प्रदेश। मैं 2010 में शिक्षक पद से मार्शल आर्ट सेकेंडरी प्रमाण पत्र से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर के बाद ही अनुरापुर में शिक्षक अध्ययन कर रहा है। यही पहली की लगन अभी बदलाव संबंधी उनका चुनाव है, लेकिन मुख्य इच्छा हमारी आपको अवार्ड मिला है, किस बात को लेकर अवार्ड दिया गया? संसद का इंडिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ से नाम भेजा गया होगा और किसके द्वारा दिया गया था आपको, किसके हाथ? राष्ट्रपति द्वारा वेंकटरमन जी ने मिला था। उनके नाम से तो होता है, उनके दस्तखत होते हैं, उनके नाम से होता है। सुनने में आया है कि आप कई विषयों से आपने एमए किया। हाँ। कौन-कौन से विषय? कितने विषयों में? 11 विषय से एमए है। 11 विषय। ये सब युवा अवस्था में कर चुके हैं कि नहीं? हम युवा की किराने से पढ़ाई बंद कर दी। हाँ। उद्देश्य रहा है कि हम एक दर्जन डिग्री करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना है तो डिग्री क्यों नहीं लेंगे। अभी पीएचडी की इच्छा थी, जब तक पी एच डी करें तब तक तीन विषय हमारा पीजी हो जाएगा, इसमें ना करके पी एच डी। आज की स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान में? सारी हो गई है जो कि होना नहीं चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो फ्री होना चाहिए, एक पैसा नहीं लगना चाहिए। पहले की शिक्षा और आपकी शिक्षा में क्या फर्क है, क्या कुछ मानते हैं आप? अब शिक्षा मांगी हम लोग फ्री में पढ़ेंगे, फ्री में पढ़े कहीं पैसा नहीं लगा, जहाँ फीस पैसा कोई नहीं लगा। क्या वर्तमान की सरकार जो है केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार ऐसा लग रहा है कि सही शिक्षा व्यवस्था की ओर काम कर रही है? नहीं कर रही, जरूरत संसाधन की उपलब्धता हमारे हो गई है, बिल्डिंग पर्याप्त हो गई है, फर्नीचर पर्याप्त है, उसके अनुकूल नहीं अधिक शिक्षक रखे जा रहे हैं। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में डॉक्टर का अभाव है, कंपाउंडर अस्पताल संभाले हुए हैं, आप लोग जाकर चले जाइए गांव में, कंपाउंडर का है, अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी कंपाउंडर है। सरकारी स्कूलों पर क्या कहेंगे, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या कोई सरकार सुधार रही है आपकी नजरों में? सरकार सुधारने के लिए प्रयास नहीं करती, चाहती है कि इसी प्रकार शिक्षा लोग ग्रहण करें कि हमारा मतलब मतलब रहे बेटी से कर रहे।
आज के युवा शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, नशे की तरफ ज्यादा जागरूक भागीदारी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए, युवा जो है नशे की तरफ ही जा रहे हैं। इस पर आप क्या, शिक्षा की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आज के युवा, उनके लिए क्या कहना है आपका? कारगर ठोस कदम उठाते हैं, यहाँ पर जो काम है ओपन में मिल रही गाटा मिल रहे हैं, गाटा पटना ठीक है नहीं लगाया जाता, कमीशन से छत्तीसगढ़ से गाटा आते हैं कैसे पहुंच जाता, 500 खाने पड़ते रहते हैं, जो कि लगा जाए पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं मिली था रखा सत्य के जो बैठे हैं प्रशासन के, कहीं कहीं मिली भरत है कि 500 खाना को पा करके दो सेकंड तो आ गया थी सौ पचास तो व्यवस्था। दिल्ली की सरकार जो है केजरीवाल सरकार, ये दावा करती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, बहुत बेहतर किया सरकारी शिक्षा व्यवस्था, क्या लगता है? वही से बहुत बढ़िया, साथ में तो दिल्ली की बहुत बेहतर शिक्षा होता है सरकारी स्तर ऊंचा है। अच्छा, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि इस दिशा में अच्छा प्रयास हो रहा है? क्या देखने को मिला आपको वहाँ शिक्षा व्यवस्था? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हुआ। आपने किस इतिहास अर्थशास्त्र हिंदी समाजवाद राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र प्राचीन भारत इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व मनोविज्ञान लोक प्रशासन गांधी एंड पीस स्टडी ग्राम विकास, अभी किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? ज्योतिषी में एडमिशन लिए हैं, तो दिसंबर परीक्षा देने की इच्छा है, हम तो दिखाई की इच्छा दे पाए तैयारी की। क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है अभी? 76 में है। इस समय पर तो लोग ज्यादातर स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं, आप अभी भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं? ऐसा है कि हमारा जवानी के ध्यान से हमारा बदन था, 40 से होकर खत्म तो नहीं है, मानसिक रूप से सब पढ़ाई मानसिक और शारीरिक और शारीरिक रूप से सब और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, कोई संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि अनुशासन का अनुशासन नहीं है सबसे बड़ी दिखाया जाए, शिक्षा में अनुशासन का अभाव है, कर्मचारी नहीं हो गया है तो ऐसा नहीं मानते, छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारी नहीं मानते, छात्रों में अनुशासन का अभाव हो गया, कुछ कानून एक कारण भी हो गया है, अधिकार शिक्षक को कुछ नहीं रहेगा, इसमें अनुशासन हो नहीं रहेगा। क्या आपकी नजर में ऐसे कोई अभी रीवा संभाग में है जो इतने विषयों से हमें किया है? हमारे जानकारी में नहीं, हमारे जानकारी में मध्य प्रदेश में नहीं, हम अपनी जानकारी कुछ आज हमसे फीडो में कहीं नहीं है, अब कहीं अंदर घर हो नहीं रहा, चैलेंज तो नहीं कर रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, ये नहीं तो ठीक। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।